अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा पार्सल 1 से 2 दिन में आ जाएगा, तो वो पार्सल आज हमें मिल चुका है। तो आज हम उसको खोलेंगे। मुझे तो पता है इस पार्सल में क्या है, लेकिन आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मुर्गियों को छोड़ लेते हैं, फिर बाद में पार्सल को खोलेंगे। तो दोस्तों, ये है वो पार्सल जो दराज की तरफ से आया है। बाद में मुर्गियों को छोड़कर इसे चला के भी चेक करेंगे कि ये चलती भी है या नहीं, जो चीज़ है इसमें। तो दोस्तों, मैंने मुर्गियों को गीली रोटियां डाल दी हैं, ये खा लेती हैं, फिर मैं बाद को दूसरी देसी वाली मुर्गियों को छोड़ दूँगा। तो दोस्तों, मैंने इस सील मुर्गे और मुर्गी को पिंजरे में ही रोटियां डाल दी हैं, ये इधर ही खा लेंगे। मैंने इन्हें बाहर छोड़ा था, ये दूसरे मुर्गे के साथ लड़ रहा था मुर्गा, इसलिए मैंने इन्हें बंद करके अंदर ही डाल दी हैं रोटियां। तो दोस्तों, मैंने देसी मुर्गियों को छोड़ दिया है, ये भी रोटियाँ खा रही हैं। जब ये सारी खा लेंगी तो मैं इन्हें बंद कर दूँगा। ये पीछे मेरे ये सील मुर्गियाँ लड़ रही हैं। लीमू के पौधे को काफ़ी ज़्यादा लीमू लगे हुए हैं, और ये लीमू काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, और इस पौधे को और भी लग रहे हैं लीमू छोटे छोटे, अगर आपको नज़र आ सके। ये छोटे छोटे लीमू इसे और भी लग रहे हैं, इस पौधे को काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। वो जो नीचे नीचे लगे हैं वो मुर्गियाँ तोड़ देती हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी सारी मुर्गियों को अच्छी तरह से बंद कर दी है, तो मैं अब पार्सल को खोलूँगा। तो दोस्तों, ये है हमारा पार्सल, मैं अभी से खोलता हूँ। तो ये इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह टेप लगा के पैक किया हुआ है। तो दोस्तों, ये इनक्यूबेटर की किट है W1209। तो अब हम आपको अपना इनक्यूबेटर दिखाते हैं, जिसको हम ये वाली किट लगाएंगे, और इस किट को चलाकर भी चेक करेंगे कि ये चलती भी है या नहीं। तो मैं अब नीचे जाके आपको अपना इनक्यूबेटर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा इनक्यूबेटर, यह काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 2 बाई 2 फुट का। तो इसका जो आगे दरवाज़ा लगा हुआ है ये नहीं सही है, दरवाज़ा सही करने वाला, तो मैं इसे सही करूँगा और 3 से 4 दिन बाद इसको सही तरह इनक्यूबेटर को बनाएंगे, और इसके अंदर रोगन वगैरह भी करेंगे ताकि ये बिल्कुल सही हो जाए। और मैं इसका सारा सामान बाज़ार से ले आऊँगा, फिर इसे तैयार भी करेंगे। तो मैं अब किट को चेक करता हूँ कि ये सही है या ख़राब है। तो दोस्तों, ये जो हमारी किट है ये चल पड़ी है, इसे 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ लगाया, और ये इसका सेंसर है। अगर हम इस सेंसर को पकड़ के रखते हैं, हाथ गर्म होने की वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहा है, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे किसी ठंडी चीज़ के साथ लगाएँगे तो इसका टेम्परेचर कम होने लग पड़ेगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसे 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ लगाया, तो इसको हम मुर्गियों के इनक्यूबेटर के साथ लगाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।